दोस्तों बाजार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके चलते कल के दिन हमें बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहली न्यूज तो ऑलरेडी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं कि आज के दिन यूएस का बाजार काफी ज्यादा पॉजिटिव है। डोजोन्स के अंदर और नैस्डैक के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रिसेंटली FII और DII का जो यहां पर 3 अक्टूबर 2022 की खरीदी बिक्री का डाटा है वो यहां पर रिलीज हो चुका है NSE की वेबसाइट पर, जिसमें आप देख पाएंगे कि FII ने आज के दिन 590 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। यानी कि पूरे सितंबर मंथ में लगभग 15 दिन से FII कंटिन्यूसली माल बेच रहे थे और माल छोटा मोटा माल नहीं बेच रहे थे, 4 डिजिट में माल बेच रहे थे, यानी कि 1,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच रहे थे। अब जाकर FII की वापसी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है और अगर ये कंटिन्यूसली रहती है तो अगेन आपको निफ्टी लगभग 17,500 से 17,800 की रेंज में देखने को मिल सकता है। खरीदारी भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन FII की तरफ से टोटल 18,735 करोड़ रुपए की खरीदारी करी गई है। वहीं अगर सेलिंग की बात करें तो 18,144 करोड़ रुपए की बिक्री करी गई है। नेट ऑफ 590 करोड़ रुपए की खरीदारी FII की तरफ से देखने को मिल रही है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से 423 करोड़ रुपए की नेट ऑफ यहां पर बिकवाली करी गई है। ओवरऑल आप देख पाएंगे जैसे कि मैंने आपके सामने अगस्त मंथ और सितंबर मंथ का ओवरऑल डेटा ओपन कर रखा है FII का, जिसमें आप देख पाएंगे कि अक्टूबर 2021 से लगातार जुलाई 2022 तक FII कंटिन्यूसली मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे। लेकिन अगस्त 2022 में FII हमें अगेन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले थे। लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन सितंबर मंथ अगेन नेगेटिव रहा, 18,308 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली अगेन FII की तरफ से करी गई थी। लेकिन आज के दिन जो नंबर्स निकल कर आए हैं ये काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की वापस निवेश के पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो ग्रोथ एक्सपेक्ट करी गई है इंडिया की वो काफ़ी अच्छी है और RBI की तरफ से भी जो कमेंट्री निकल कर आ रही है वो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है, जिसके चलते इंडियन मार्केट अगेन काफ़ी बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर अब हमें 74 पॉइंट से नेगेटिव देखने को मिल रहा है, जो कि अराउंड 6 o'clock हमें लगभग 150 पॉइंट से नेगेटिव देखने को मिल रहा था। यानी कि यहां पर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है। तो कल के दिन हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गैप अप आप को देखने को मिल सकता है। बात करें कि क्या रेंज कल के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है तो 17,000 रुपये का जो साइकोलॉजिकल लेवल से वो तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर उससे भी शानदार तेजी यहाँ पर बनती है तो 17,350 रुपये का सेकेंड रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 16,800 रुपये का रहने वाला है और दूसरा सपोर्ट 16,450 रुपये का यहाँ पर आपको लेकर चलना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर अपडेट्स, जिसमें सबसे पहली कंपनी का नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें सिर्फ 0.62% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो इसका शेयर की प्राइस जो कल शेयर हमें 109 रुपये का देखने को मिल रहा था वो आज 73 रुपये का देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट यहां पर 35% की गिरावट हमें संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रही है। गिरावट के पीछे के रीज़न की बात करें तो कंपनी ने जो बोनस अनाउंस किया था उसकी आज के दिन एक्स डेट थी और वही बोनस आज के दिन हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग इस शेयर की प्राइस हमें एडजस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। अब जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर विद इन अ 15 डेज क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बात करें फ्रेश पोजीशंस बनाने की तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी पूरा ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, जिस कारण से इस शेयर्स को अभी आप अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है JSW स्टील लिमिटेड, जहां पर आज के दिन हमें 1.29 यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि चाइना के अंदर जो स्टील सेक्टर की डिमांड है
कोविड के बाद में डिक्लाइन होते हुए देखने को मिली है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर जो स्टील कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जहां पर IEX के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पिछले एक महीने की बात करें तो IEX का शेयर 13% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो IEX को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आज के दिन एलआरआर कैपिटल की तरफ से IEX को लेकर यहां पर बाय की रेटिंग दी गई है और 236 रुपए के टारगेट दिए गए हैं। जो टारगेट दिए गए हैं ये विद इन अ 1 ईयर के दिए गए हैं। तो यदि आपने IEX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर आप एलआरआर कैपिटल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस टारगेट के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली मैं आपको कहूं तो IEX अभी एक बहुत ही रिस्की शेयर्स बना हुआ है, क्योंकि इनकी मोनोपोली के ऊपर भी खतरा बन रहा है और साथ ही साथ मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, जिस कारण से पावर सेक्टर कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो यदि आपने IEX के अंदर निवेश कर रखा है तो अभी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस को अभी के टाइम पर आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहली कंपनी की बात करें जिसका नाम है अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जहां पर आज के दिन आपको 8.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के अंदर गिरावट या अडानी ग्रुप के अंदर गिरावट जो देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीजन जो यहां पर देखा जा रहा है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो। जी हाँ दोस्तों, FPI जो कि अडानी ग्रुप के अंदर एक काफ़ी बड़ा मेजोरिटी स्टेक कवर करके बैठे हैं, अब वो अपने स्टेक को ट्रिम करने के ऊपर प्लान कर रहे हैं या फिर ट्रिम कर भी चुके हैं। ये तो जो रिपोर्ट निकल कर आएगी शेयर होल्डिंग्स की वो उसमें ही हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड रीजन की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस का अगर आप PE रेशो देखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यूशन देखेंगे, तो इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। लगभग 360 का इसका PE रेशो देखने को मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिस कारण से यहाँ पर गिरावट तो 100% पॉसिबल है। सेम चीज़ हमें अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी फॉलो होते हुए देखने को मिल रही है। आज के दिन अडानी ग्रीन के अंदर भी 7.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी अगर आप इस शेयर का भी वैल्यूएशन देखेंगे तो 718 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही शेयर हाईली रिस्की हैं। अगर आप ऑलरेडी अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो टाइमली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस को अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, साथ ही साथ किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि हमने ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।